सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. राइट, हम यूनिट 4 कर रहे थे, उसमें भी हम कर रहे थे इनपुट डिवाइसेस. राइट, विद इन इनपुट डिवाइसेस वी हैव सीन कीबोर्ड, राइट, माउस, ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड. सो विद इन 4.1 इंट्रोडक्शन टू इनपुट डिवाइसेस, विद इन दैट 4.1.1 पॉइंटिंग डिवाइसेस. और पॉइंटिंग डिवाइसेस में से आज हम पहले देखेंगे जॉयस्टिक. राइट, आप जैसे इमेज देख रहे हो, राइट, आपने बहुत बार रिमोट कंट्रोल की कार चलाई होगी या फिर वीडियो गेम खेली होगी. ये जो जॉयस्टिक है, राइट, उसी की तरह है. आप देख सकते हो एक लीवर जैसा है, दैट इज ओवर हियर. राइट, लीवर के ऊपर ये बटन है, उसके साथ साथ ये जॉयस्टिक के ऊपर 2 अनदर बटन्स भी है, राइट, कि जिसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं. ये पूरा प्लास्टिक का बेस होता है, राइट, और जो पूरी सर्किट बोर्ड होती है वो इसके अंदर होती है, ये बेस के अंदर होती है. राइट, ये ट्रिगर, ये जो लीवर है, राइट, व्हाट इज दिस, कि इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर है आप उसे मूव कर सकते हो. राइट, और यहाँ पे ये लीवर के ऊपर ये एक बटन होता है. राइट, ये बटन को आप प्रेस करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा. और उसके साथ साथ ये 2 अनदर बटन्स होते हैं, राइट, कि जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो. राइट, हम अब इसे जॉयस्टिक में डिटेल्स में देखते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट इज जॉयस्टिक? वी कैन से जॉयस्टिक इज अ डिवाइस के जो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करने में काम लगता है. आप उसे कंट्रोल भी कर सकते हो, उसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो. आप कर्सर को या फिर ऑब्जेक्ट को कोई भी डायरेक्शन के अंदर आप उसे मूव कर सकते हो. राइट, अब बेसिक डिजाइन जॉयस्टिक का कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया. राइट, यहाँ पे ये स्टिक होती है या फिर आप इसे लीवर कह सकते हो. ये प्लास्टिक का बेस होता है. राइट, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का है, ये जो स्टिक और ये प्लास्टिक का बेस है सिल्वर कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों के बीच में यहाँ पे एक रबर होता है. रबर इसलिए होता है ताकि ये जब भी ये स्टिक मूव हो, राइट, वो बिगड़ ना जाए. रबर है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेच हो सकता है, दैट्स वाई यहाँ पे एक रबर होगा. राइट, दैट इज फ्लेक्सिबल रबर होगा. राइट, कि जिसको आप स्ट्रेच करोगे तो भी वो टूटेगा नहीं. ओके, अब ये प्लास्टिक बेस के अंदर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया सर्किट बोर्ड होगा. राइट, ये स्टिक के नीचे होगा सर्किट बोर्ड, बिकॉज हमें पता है कि अगर हमें कोई भी कर्सर को मूव करना है या फिर ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो हमें ये स्टिक को मूव करना पड़ेगा, स्टिक को हिलाना पड़ेगा. राइट, दैट्स वाई ये स्टिक के नीचे एग्जैक्टली सर्किट बोर्ड होगा. राइट, एंड अनदर देर आर 2 बटन्स विच आर नोन एज ट्रिगर्स. राइट, ये 2 बटन्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रिगर्स बोलेंगे. राइट, ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी? इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ये जो जॉयस्टिक के अंदर है वो क्या करेगी, इट विल मेजर द मूवमेंट. किसकी मूवमेंट मेजर करेगी, वो जो स्टिक है उसकी मूवमेंट मेजर करेगी फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, दैट इज दिस वन. ये अभी जो ये जॉयस्टिक के ऊपर जो स्टिक की जो पोजीशन है, दैट इज नोन एज सेंट्रल पोजीशन. राइट, आप ये जॉयस्टिक की स्टिक को यहाँ ऐसे फॉरवर्ड साइड मूव करोगे तो ऑब्वियसली कर्सर आगे मूव होगा. ये जॉयस्टिक की स्टिक को आप बैकवर्ड साइड मूव करोगे तो ऑब्वियसली ये पीछे मूव होगा. राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है, इट विल मेजर द मूवमेंट ऑफ द स्टिक. कहाँ से स्टिक की मूवमेंट मेजर होगी, फ्रॉम द सेंट्रल पोजिशन. राइट, और ये जो सेंट्रल पोजीशन पे से जो भी मूवमेंट मेजर होगी उसकी इंफॉर्मेशन बाद में प्रोसेसिंग होगी और उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि कर्सर या फिर ऑब्जेक्ट जो भी स्क्रीन के ऊपर है वो हमें कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, दैट इज फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट, डायगोनल लोकेशन, या फिर कौन सी डायरेक्शन में हमें मूव करना है. राइट, आफ्टर दैट देर आर 2 बटन्स, राइट, कि जिसको आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, मतलब आप उसको एक्शन असाइन कर सकते हो. राइट, कि वो 2 बटन से आपको क्या करना है, आपको क्या सिलेक्ट करना है. राइट, आप स्टिक का यूज करके स्क्रीन के ऊपर सिलेक्ट भी कर सकते हो. राइट, सो दैट्स वाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट द बटन्स विच कैन बी प्रोग्राम्ड to indicate certain actions once a position on the stick has been selected using the
स्टिक। एक बार ये स्टिक का यूज करके स्क्रीन के ऊपर पोजीशन सिलेक्ट हो जाती है, उसके बाद आप ये बटन का यूज करके कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो जो उसके ऊपर प्रोग्राम हुई है, राइट। नाउ देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक, और यू कैन ऑल्सो से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक, राइट, विच ऑफर्स थ्री कंट्रोल्स। अगेन आई रिपीट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉयस्टिक विच ऑफर्स थ्री कंट्रोल्स। कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं? डिजिटल, ग्लाइड या फिर डायरेक्ट। सो डिजिटल क्या करेगा? डिजिटल कंट्रोल अलाउज मूवमेंट इन लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्शन। लिमिटेड नंबर ऑफ डायरेक्शन मतलब अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, सिर्फ इतना ही वो मूव कर सकता है। सो ऐसी जॉयस्टिक कि जो सिर्फ फोर डायरेक्शंस ऑफर करती है, दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, ऐसी जॉयस्टिक को बोलते हैं डिजिटल कंट्रोल वाली जॉयस्टिक, राइट। अनदर इज ग्लाइड एंड डायरेक्ट। ग्लाइड एंड डायरेक्ट दोनों में 360 डिग्री में, दैट इज इन ऑल द डायरेक्शंस मूवमेंट होगी। अगेन आई रिपीट, ग्लाइड और डायरेक्ट में 360 डिग्री, दैट इज ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट होगी। अब आप बोलोगे कि अगर ग्लाइड और डायरेक्ट दोनों में 360 डिग्री की ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट होती है तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ग्लाइड में सिर्फ ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलाउ करता है, लेकिन डायरेक्ट के अंदर जो भी जॉयस्टिक होती है उसके अंदर एडिशनल एबिलिटी होती है कि वो डिस्टेंस और स्पीड को भी रिस्पॉन्ड करता है। अगेन आई रिपीट, डायरेक्ट कंट्रोल वाली जॉयस्टिक के अंदर एक एडिशनल एबिलिटी होती है कि जो डिस्टेंस और स्पीड को भी रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे? आप ये जॉयस्टिक को देख रहे हो, राइट। अगर मैं बहुत ही स्पीड से फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये स्टिक को मूव करती हूँ, इसका मतलब क्या है कि मुझे बहुत स्पीड से जो भी ऑब्जेक्ट है उसे मूव करना है, राइट। सो दिस इज हाउ कि डायरेक्ट कंट्रोल वाली जॉयस्टिक हमें एडिशनल एबिलिटी देती है, राइट। सो देर आर थ्री कंट्रोल्स, दैट इज डिजिटल, ग्लाइड एंड डायरेक्ट। जो डिजिटल है उसके अंदर सिर्फ फोर डायरेक्शंस के अंदर मूव करेगा, दैट इज अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। ग्लाइड और डायरेक्ट में 360 डिग्री, दैट इज सारे डायरेक्शन के अंदर वो मूव करेगा। डायगोनल डायरेक्शन में आपको मूव करना है तो वो भी वो मूव करेगा, लेकिन ग्लाइड और डायरेक्ट में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट के अंदर एक एडिशनल एबिलिटी होती है कि जो डिस्टेंस और स्पीड को भी वो रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे ही जितनी स्पीड से स्टिक मूव होगी, जितनी डिस्टेंस के ऊपर वो स्टिक मूव होगी, वो सारी चीज को रिस्पॉन्ड करेगा, राइट। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो जॉयस्टिक होती है, राइट, वो किसके लिए हम यूज करते हैं? जब हम वीडियो गेम्स खेलते हैं या फिर हमें स्क्रीन के ऊपर कोई मूवमेंट करना है कि जो वेलोसिटी को रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज स्पीड को रिस्पॉन्ड करे, डिस्टेंस को रिस्पॉन्ड करे, ऐसे अगर हमें कोई भी वर्क करना है तो हम ये जॉयस्टिक को यूज कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हमें कर्सर की मूवमेंट के अंदर वेलोसिटी भी मेजर करनी है, दैट इज वेलोसिटी भी चाहिए, दैट इज डिस्टेंस और स्पीड भी चाहिए, राइट। सो मोस्टली वी हैव सीन कि ये जॉयस्टिक कहाँ पे यूज होती है, कंप्यूटर गेम्स में यूज होती है या फिर ऐसी एप्लीकेशंस की जो सिम्युलेटर्स बनाती है ट्रेनिंग के लिए। अगर मुझे फ्लाइट की ट्रेनिंग किसी को देनी है तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट रियल प्लेन में किसी को नहीं दे दूंगी, राइट। मैं उसके जैसा एक सिम्युलेशन किया हुआ मॉडल दूंगी कि जिसका यूज करके वो सीख सकते हैं। उस वक्त ये जो जॉयस्टिक है वो काम लगेगी, बिकॉज वो जॉयस्टिक के ऊपर से हम वो सिम्युलेटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स होते हैं कि जहाँ पे मुझे रोबोट को मूव करना है, हैवी गैजेट्स को, हैवी मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ले जाना है, दैट इज इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी मैं ये जॉयस्टिक का यूज कर सकती हूँ। आपने क्रेन में देखा होगा, राइट, जो क्रेन होता है, राइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होता है, उसके अंदर भी वो क्रेन को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक होती है, राइट। फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होती है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स होती है, उसके अंदर भी ये जॉयस्टिक का यूज होता है, राइट, कि जिसका यूज करके आप इजी मैनर के अंदर कोई भी स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट चाहिए या फिर कोई भी चीज कंट्रोल करनी है, डिस्टेंस, स्पीड, वो आप कंट्रोल कर सकते हो, राइट। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी वर्किंग ऑफ द जॉयस्टिक। वर्किंग ऑफ द जॉयस्टिक में पहले हम देखेंगे कि जॉयस्टिक के अंदर एक्चुअली होता क्या है।
सी एज यू आर एबल टू सी यहाँ पे दिस इज नोन एज टॉप हैट, दिस इज नोन एज टॉप हैट, राइट। कि जो बटन था मैंने आपको बताया था वो पहली वाली इमेज में, दैट इज नोन एज टॉप हैट, राइट। और हमें पता है कि अगर मुझे कर्सर को डायरेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करना है, तो वहां पे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वर्क करूंगी, राइट। जैसे माउस के अंदर रोलर्स थे, ट्रैकबॉल के अंदर शाफ्ट था, वैसे ही जॉयस्टिक के अंदर एक्स एक्सिस का शाफ्ट है और वाई एक्सिस का शाफ्ट है, दैट इज दिस वन, दिस इज वन शाफ्ट एंड दिस इज अनदर शाफ्ट, राइट। उसके बाद ये जो स्टिक है, राइट, वो यहाँ पे अटैच होती है, सी ये जो पूरी स्टिक है वो यहाँ पे अटैच होती है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर दैट इज स्टिक, राइट। अब ये जो स्क्वायर है यहाँ पे बीच में, इसे बोलते हैं बेस, राइट। और उसके बाद ये यहाँ पे दो सेंसर्स लगे हुए हैं, सी ओवर हियर, यहाँ पे दो सेंसर्स है, दे आर नोन एज मोशन सेंसर्स और पोटेंशियोमीटर सेंसर्स, कि जो भी ये स्टिक की मूवमेंट होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, या फिर कौन से डायरेक्शन के अंदर है, कितनी स्पीड से है, वो सारे मोशंस ये सेंस करेगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मोशन सेंसर्स, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आपको याद रखना है कि एक्चुअली जॉयस्टिक के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, राइट। सो अब हम वर्किंग में ये देखते हैं, हमें पता है कि जो जॉयस्टिक होती है वो वेरियस टेक्नोलॉजीज का यूज करके बनाई गई होती है। अब जैसी टेक्नोलॉजी वैसी वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा। हमने देखा कि अगर हम डिजिटल जॉयस्टिक की टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे तो वो सिर्फ फोर डायरेक्शंस के अंदर मूव कर पाएगा, वो ग्लाइड और डायरेक्ट को यूज करेंगे तो वो ऑल डायरेक्शंस के अंदर मूव कर पाएगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट का यूज करेंगे तो वो उसके अंदर हम डिस्टेंस और स्पीड को भी मेजर कर सकते हैं, राइट। सो जैसी टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे उस हिसाब से वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगी, राइट। नाउ व्हाट इज द थिंग, सारी जॉयस्टिक किसके लिए डिजाइन होती है, सारी जॉयस्टिक कंप्यूटर को इन्फॉर्म करने के लिए डिजाइन होती है कि अभी कौन सी पोजीशन के ऊपर है, दैट इज अबाउट पोजिशनिंग ऑफ द हैंडल एट अ गिवन टाइम, हैंडल मतलब वो स्टिक, राइट। एट अ गिवन टाइम वो हैंडल की या फिर स्टिक की पोजीशन क्या है, वो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करने के लिए जॉयस्टिक को बनाया गया है, राइट। और अब वो कैसे होगा, ऑब्वियसली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से होगा, हमने देखा कि एक्स एक्सिस का शाफ्ट है, वाई एक्सिस का शाफ्ट है, राइट। सो ऑब्वियसली जैसे ही वो मूवमेंट होगी, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और उसके ऊपर से डिसाइड होगा कि जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पोजीशन कौन सी है, राइट। अगर एक्स एक्सिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली साइड बाय साइड पोजीशन, दैट इज लेफ्ट एंड राइट पोजीशन को वो रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्वियसली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पोजीशन को वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इट इज सिमिलर टू माउस और ट्रैकबॉल जो हमने ऑलरेडी देखा था। अगेन आई रिपीट, एक्स एक्सिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, साइड बाई साइड पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई एक्सिस किसे रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजिशन को वो रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ओके, नाउ बेसिक डिजाइन तो वो हमने देखी कि जॉयस्टिक की बेसिक डिजाइन क्या है, स्टिक है, स्टिक किसके साथ अटैच है, दैट इज प्लास्टिक बेस के साथ अटैच है, राइट। और उसके साथ क्या है, फ्लेक्सिबल रबर शील्ड है, जो मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक बेस है और वो स्टिक है, वो दोनों के बीच में क्या है, फ्लेक्सिबल रबर शील्ड, वो किसके लिए यूज होगा, ऑब्वियसली जैसे ही हम स्टिक को मूव करेंगे तो हमें वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर हम वहां पे प्लास्टिक डाल देते ऑब्वियसली हम वो स्टिक को मूव नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई वहां पे बीच में क्या है, फ्लेक्स, राइट। ओके, अब ये बेस के अंदर क्या है, बेस के अंदर एक सर्किट बोर्ड है, राइट, वो डायरेक्टली स्टिक के नीचे है। अगेन आई रिपीट, बेस के अंदर क्या है, सर्किट बोर्ड है जो डायरेक्टली स्टिक के नीचे है और जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन
होगी। ऑब्वियसली ये तो हमने सब जो भी हमने डिवाइसेस अब तक देखे वो सबके अंदर ऐसा ही था कि नीचे से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ होता है। कीबोर्ड के अंदर हमने देखा था कि अगर हम की प्रेस करेंगे तो वो सर्किट क्लोज होगी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी तो पता चलेगा कि कौन सी की हुई है, प्रेस हुई है। फिर हमने वो ट्रैक बॉल और ट्रैक पैड में भी देखा था, टच पैड में भी देखा था, राइट? मतलब सब जगह जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने की वजह से ही पास ऑन होती है, राइट? सो ऑब्वियसली ये सर्किट बोर्ड के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी। कब होगी? जब भी हम ये स्टिक को मूव करेंगे तब, राइट? अगर जॉयस्टिक न्यूट्रल पोजीशन पे है, मतलब उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली सारी सर्किट्स ब्रोकन होगी, मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, राइट? अगर वो जॉयस्टिक न्यूट्रल पोजीशन पे होगी तो वहां पे कोई भी सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं होगी, इसलिए हम बोलेंगे दे सर्किट्स आर ब्रोकन, राइट? जब सारे सर्किट के सेक्शंस ब्रोकन है, राइट, सो वो क्या करेगा? Each broken section is covered with a simple plastic button containing a tiny metal disc. Obviously, अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन करना है तो वहां पे कोई ऐसा मेटल होना चाहिए जो कंडक्टिव हो। कंडक्टिव मेटल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सके, राइट? मतलब ये जो स्टिक है उसके अंदर जो सर्किट है, राइट, वहां पे पहले तो एक प्लास्टिक बटन होगा और उसके नीचे एक मेटल डिस्क होगी। मेटल डिस्क होगी तो ऑब्वियसली दो मेटल डिस्क जब कनेक्ट होगी तो वहां से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सकते हैं, राइट? इट मींस कि जब भी स्टिक मूव होगी कोई भी डायरेक्शन के अंदर, राइट, और वो जो बटन है स्टिक के ऊपर वो हम पुश करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे ही हम बटन पुश करेंगे तो वो मेटलिक डिस्क पुश होगी। वो कहाँ पे पुश होगी? सर्किट बोर्ड के ऊपर पुश होगी, मतलब सर्किट क्लोज होगी। जैसे ही सर्किट क्लोज होगी ऑब्वियसली कनेक्शन क्लोज होगा और वहां से इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, चार्ज मूव होगा। बिकॉज वायर्स जब कनेक्ट होंगे तो ऑब्वियसली वहां से इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, राइट? सो व्हाट इज द सिनेरियो? हम स्टिक के ऊपर बटन प्रेस करेंगे, बटन प्रेस करने के बाद हम वो स्टिक को मूव करेंगे। जैसे ही हम स्टिक को मूव करेंगे, बटन प्रेस हुआ ही है तो बटन के साथ वो कंडक्टिव मेटलिक डिस्क है, मतलब वो स्टिक के नीचे वो कंडक्टिव मेटलिक डिस्क है जो सर्किट बोर्ड के ऊपर पुश होगी, प्रेस होगी। सो सर्किट क्लोज होगी। जैसे ही सर्किट क्लोज होगी इट मीन्स कि कनेक्शन कंप्लीट हुआ है, और जैसे ही कनेक्शन कंप्लीट होगा दो वायर्स के बीच में वहां से इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, राइट? मीन्स व्हेन सर्किट इज क्लोज इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो डाउन थ्रू द वायर्स, राइट? मतलब वन वायर टू अनदर वायर इलेक्ट्रिसिटी मूव ऑन होगी, राइट? और वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी? कंप्यूटर के अंदर जाएगी। सो व्हेन द कंप्यूटर पिक्स अप द चार्ज, जब भी कंप्यूटर चार्ज लेगा, राइट, पर्टिकुलर वायर के ऊपर से, सो उसे पता चलेगा कि जॉयस्टिक के अंदर अभी राइट पोजीशन कौन सी है। जैसे ही राइट पोजीशन पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? सर्किट के अंदर जो मतलब वो जो इलेक्ट्रिक नीचे जो सर्किट बोर्ड है वहां पे जो सर्किट कंप्लीट होगी इसलिए वहां पे हमें राइट पोजीशन मिलेगी, राइट? सो ये जो जॉयस्टिक के ऊपर बटन्स है वो भी एग्जैक्टली सेम वे में वर्क करेंगे, राइट? बटन्स के नीचे भी मेटलिक डिस्क होगी, राइट? और वो ऑब्वियसली मेटलिक डिस्क जब कनेक्ट होगी तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होगी, तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है, राइट? सो द सेम थिंग इज रिटन ओवर हियर कि व्हेन अ बटन इज प्रेस डाउन इट कंप्लीट्स द सर्किट एंड द कंप्यूटर विल रिकॉग्नाइज द कमांड। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बटन्स को हमने क्या दिया हुआ है, बटन्स को हमने पर्टिकुलर कमांड असाइन किया होगा और वो कमांड के ऊपर से जॉयस्टिक के ऊपर से पता चलेगा कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है और कंप्यूटर को कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, राइट? सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक दैट इज पॉइंटिंग डिवाइसेस, और उसके अंदर हमने जॉयस्टिक यहाँ पे कंप्लीट किया। हमने जॉयस्टिक में क्या देखा? पहले तो हमने जॉयस्टिक की इमेज देखी थी कि जिसके ऊपर से हमें पता चला कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है। फिर हमने देखा कि जॉयस्टिक क्यों यूज हो करना है, उसके ऊपर बटन्स है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके अंदर थ्री कंट्रोल्स हो सकते हैं, दैट इज डिजिटल, ग्लाइड एंड डायरेक्ट, वो कर्सर के मूवमेंट के लिए है,
उसके बाद हमने देखा कि जॉयस्टिक कहाँ कहाँ पे यूज होती है, फिर हमने उसका वर्किंग देखा, हमने देखा कि जॉयस्टिक के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है जिसके ऊपर से ये चार सारी चीजें वर्क करेगी, फिर हमने वो वर्किंग देखा कि वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वर्क करेगा, बिकॉज एक्स एक्सिस साइड बाई साइड पोजिशन रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस फॉरवर्ड बैकवर्ड पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? ऑलराइट, फिर हमने देखा कि जॉयस्टिक के अंदर कैसे इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, कि ऑब्वियसली जैसे ही हम वो स्टिक के ऊपर बटन है प्रेस करके जो वो स्टिक को मूव करेंगे, सो बटन प्रेस हुआ है सो वो कंडक्टिव मेटलिक डिस्क को प्रेस करेगा सर्किट बोर्ड के ऊपर, और सर्किट बोर्ड के ऊपर का सर्किट क्लोज होगी, इट मीन्स के कनेक्शन क्लोज होगा दो वायर्स के बीच में, सो ऑब्वियसली वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी, उसके ऊपर से पता चलेगा कि हमें कहाँ से कहाँ वो ऑब्जेक्ट या फिर कर्सर को मूव करना है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर रिलेटेड टू द जॉयस्टिक।